कि राजा भी कहा जाता है इसे ना। 13 इंच का टायर आता है जेकेट को, 2 मिलते हैं देखने के लिए, और ये एंटीना आपको इसमें नहीं देखने के लिए मिलता है। कोई सेंटर लॉकिंग का ऑप्शन है नहीं, कोई मैरोन सी का आपको K10C इंजन मिल जाता है। हेलो दोस्तों, आज मेरे सामने खड़ी है मारुति सुजुकी एरेना की अल्टो K10 LXI वेरिएंट मेरे सामने खड़ा है। इससे पहले जो मैंने बनाई थी VXI प्लस बनाई थी, वो आप देख चुके हैं, तो आज मैं आपको इसका पूरा रिव्यू दूंगा। देखिए, अब इसमें ना एक तो स्टैंडर्ड आता है, एक LXI आता है और एक VXI आता है, VXI प्लस आता है। स्टैंडर्ड शायद आपको नहीं मिलेगा सिटी में, क्योंकि वो जो है ना उसमें AC आती ही नहीं है। एक्चुअल में जो स्टैंडर्ड वेरिएंट बना है, वो स्टैंडर्ड वेरिएंट जो बना है वो बना है हिल स्टेशंस के लिए, जो आप देखते हैं ये मतलब पहाड़ों की राजा भी कहा पहाड़ों की राजा भी कहा जाता है इसे। तो ये सबसे ज़्यादा आपको ना पहाड़ों पर चलती हुई दिखाई देगी अल्टो और अल्टो K10। तो देखिए, इसकी जो डायमेंशन की बात करूँ तो 3530 mm इसकी जो है लेंथ है, और विड्थ है इसकी 1490 mm, हाइट है इसकी 1520 mm, और इसका 4.5 meter का रेडियस के साथ आपको ये मिल जाती है। तो फ्रंट पे आप देखिए, देखिए जो हमने VXI प्लस देखी थी, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस इसमें जो फ़र्क हैगा वो बता देता हूँ। देखिए, वही हेडलैम्प हमें मिलती है देखने के लिए जो हमने देखी थी हैलोजन में, और ये पूरे डॉटेड, और ये इंडिकेटर मिल जाते हैं हमें, और ये एक हार्ड प्लास्टिक की अपनी ग्रिल मिल जाती है हनीकॉम की, जो एक अच्छा लुक देती है। अल्टो के नंबर प्लेट के आपको बैचिंग मिल जाती है, सेकेंड पार्ट ऑफ बोनेट आपको ये मिल जाता है। इस तरीके से आपको मारुति सुजुकी का लोगो देखने को मिल जाता है। एक नोजल वाटर नोजल के साथ आपको 2 वाइपर मिल जाते हैं देखने के लिए, और फ्रंट से आपका कुछ लुक इस तरीके से दिखाई देता है। अब इसकी साइड प्रोफाइल पर आ जाता हूँ। साइड प्रोफाइल में मैं आपको बता देता हूँ, व्हील बेस इसका 2380 mm, और ग्राउंड क्लियरेंस है इसकी 167 mm, इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस बता दी मैंने आपको। और इसका जो टायर है स्टील ट्रिम में आता है, व्हील कवर नहीं मिलेंगे क्योंकि ये LXI वेरिएंट है। तो इसका जो ये जो देखिए, मैं इसकी टायर प्रोफाइल बता देता हूँ। इसमें जो है ना 13 इंच का टायर आता है, JKT टायर। ये देखिए, मैं एक बार देख भी लेता हूँ इसका 13 इंच, ठीक है। हाँ, तो ये 13 इंच का आपको टायर मिल जाता है, फेंडर पे इंडिकेटर मिल जाता है, ORVM आपको ब्लैक कलर में मिलते हैं, A पिलर, B पिलर, C पिलर आपको वाइट ही मिलता है, और ये डोर हैंडल आपको ब्लैक में मिल जाते हैं, और ये कुछ ऑप्शन मिल जाता है आपको ब्लैक का। अब बात करता हूँ इसके रियर प्रोफाइल की। रियर प्रोफाइल में देखिए आपको ये कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, और इसका जो ये देखिए, ये आपको इंडिकेटर मिल जाता है, स्टॉप लैंप मिल जाती है, एक रिवर्स लैंप मिल जाती है आपको, और ये आपको यहाँ से एक रिवर्स लैंप गैप दिखाई देगी, एक ही तरफ मिलती है, ये आपको वही सेटअप सारा हैलोजन में मिल जाता है। रिवर्स सेंसर आपको 2 मिल जाते हैं, बम्पर पीछे का वाइट में मिलता है, और आपको अल्टो के टैंक की बैचिंग इस साइड में मिलती है देखने के लिए, सुजुकी का लोगो, और ये इस तरीके से की ओपनर मिल जाता है। हाई माउंट स्टॉप लाइट आपको ये देखने के लिए मिल जाती है, एंटीना आपको इसमें नहीं देखने के लिए मिलता है। देखिए, अब बात करता हूँ इसकी चाबी की। चाबी आपको इसलिए मिलती है, इस टाइप की मिलती है, इसमें कोई सेंटर लॉकिंग का ऑप्शन है नहीं, कोई रिमोट से। अब देखते हैं कि इसकी जो सेंटर लॉकिंग है वो की से मिलती ही नहीं मिलती, की के साथ मतलब, ये देखते हैं, मैंने ये लॉक कर दी, ठीक है, नहीं अभी लॉक नहीं हुई, एक मिनट, ये ऐसे करके लॉक होगी, अब देखते हैं। तो भाई, सेंटर लॉकिंग आपको नहीं मिलती है की के साथ भी, ठीक है। तो अब मैं आप उसको अब चलता हूँ अंदर की तरफ। यह है इसका फ्रंट डोर का ट्रिम, जो आपको इस तरीके से दिखाई देता है, ये हार्ड टच में है सारा, और ये है 1 लीटर वाटर होल्डर, और ये चारों डोर पे मिल जाते हैं आपको स्पीकर के ग्रिल, स्पीकर नहीं मिलते हैं, LXI वेरिएंट है। मैनुअल रोल अप डाउन का ऑप्शन मिलता है आपको विंडो के लिए, और ये आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है, डोर ओपनर आपको ब्लैक में मिलता है इस तरीके से, और ये अंदर से लॉक बटन मिल जाता है। अब अंदर से इसकी प्रोफाइल कुछ बाहर से देखेंगे तो अंदर की तरफ तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, और ये देखिए, अब इसका जो ग्राउंड वो है ना, अंडर थाई सपोर्ट मैं दिखा देता हूँ आपको, अंडर थाई सपोर्ट बिल्कुल बढ़िया है, फैब्रिक फिनिश के साथ इसकी सीट आती है, फिक्स हेडरेस्ट आते हैं चारों तरफ के, मतलब चारों तरफ तो कम नहीं कहूँगा, पीछे तो है ही नहीं हेडरेस्ट, आगे की तरफ आते हैं, फ्रंट में 2 हेडरेस्ट आते हैं, वो भी फिक्स है। अब चलते हैं इसके अंदर की तरफ। ये मैंने बंद कर दिया। अब देखिए, इसका इग्निशन ऑन करके एक बार मैं दिखा देता हूँ, इस तरीके से इग्निशन ऑन हो गया, वही हमें सारा सेटअप मिलता है देखने के लिए। क्लस्टर का MID डिस्प्ले हमें छोटी सी देखने को मिलती है, जो कि फ्यूल गेज में यह मिल जाता है, अपना स्पीडोमीटर हमारा यह है, ऑडोमीटर हमारा यही मिलेगा देखने के लिए, बाकी सारा आपको सेटअप मिल जाता है, गोल व्हील स्टेयरिंग मिलता है आपको देखने के लिए, सिंपल सा सिंगल टोन के साथ आपको एक
हॉर्न मिल जाता है। और इसके जो देख रहे हैं ये एसी वेंट है, एसी वेंट आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, एक इससे एक इस तरीके से दिखाई दे रहा है सेंटर में, जो पीछे वालों को बिल्कुल आराम से हवा पहुंचेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक एसी वेंट वहाँ मिल जाता है और ये अपना विंडशील्ड के लिए एसी वेंट। अब मैं थोड़ी सी ना सीट अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूँ, थोड़ी सी रिक्लाइन एंगल भी ठीक कर लूँ इसका। अब देखिए इसको जो स्टेयरिंग में है ना, कोई एडजस्टमेंट नहीं मिलती है, सिंपल है, नटिल्ट एंड टेलीस्कोप कोई एडजस्टमेंट नहीं मिलती है। अब ये देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका, जो कि सन, ये क्या है, एक मिनट लाइट जला देता हूँ। हाँ, ये है इसका सनवाइज़र इस तरीके से, और एक सनवाइज़र यहाँ मिलता है, टिकट होल्डर दोनों में नहीं मिलते हैं। ये है इसका IRVM जो कि नॉर्मल है, तीन एडजस्टमेंट के साथ आपको केबिन लैंप मिल जाती है इस तरीके से, और कोई इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलता है, ये LXI वेरियंट है। और ये हैजार्ड लैंप का बटन, मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाते हैं आपको, यहाँ पर कोई सॉकेट का नहीं मिलता है 12 वोल्ट का, क्योंकि ये LXI वेरिएंट है। अगर ये लेना चाहते हैं तो उसको ऊपर वेरिएंट जाएंगे, या फिर इस एज एसेसरी पार्ट लगवा सकते हैं यहाँ पर। ये कुछ स्पेस मिल जाता है फ़ोन वगैरह रखने के लिए, दो कप होल्डर मिल जाते हैं, 5 गियर मैनुअल के साथ आपको ये ऐसा ट्रांसमिशन देखने को मिलता है, और ये रहा आपका हैंड ब्रेक इस तरीके से है। ये पूरा फ्रंट केबिन आपको, ये देखिए पैसेंजर साइड का, को ड्राइवर साइड का आपका ट्रिम देख लीजिए, डोर देख लीजिए, इस तरीके से मिलता है। और ये रहे आपके वाइपर के स्टॉक, और ये रहे आपके हेडलैम्प एडजस्टमेंट के स्टॉक, इस तरीके से आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाता है, जहाँ से इंडिकेटर वगैरह सब सेट कर सकते हैं। बाकी ये सब ब्लैंक है, क्योंकि ये ऊपर की वेरियंट में सब ऑप्शन मिलते देखने के लिए। और ये रहा आपका हेडलैम्प की जो हाई बीम का एडजस्टमेंट करने के लिए, ABC पैडल आपको ये देखने के लिए मिल जाता है, डेड पैडल आपको यह मिल जाता है देखने के लिए, बहुत अच्छा गैप है देखने के लिए, बहुत बहुत अच्छा कंफर्ट लग रहा है मुझे। अब आगे की तरफ मैं आपको और एक चीज दिखा दूं, ग्लव बॉक्स आपको इस तरीके से मिलता है। अब ये है इस तरीके से पूरी कहानी, यहाँ पे एक छोटा सा स्पेस और मिल जाता है रखने के लिए। और बैक साइड में आपको ना ये पैसेंजर साइड के लिए कुछ होल्डर मिल जाता है यहाँ पर रखने के लिए, कुछ छोटा मोटा कुछ भी सामान रख लो आप इस तरीके से। अब चलते हैं इसके बैक केबिन की तरफ, बैक केबिन की तरफ मैं आपको बता दूं क्या मिलता है। यह है इसका बैक केबिन, बैक केबिन में आपको देखो अंडर थाई सपोर्ट है, उसको काफ़ी अच्छा मिलता है। और ये जो है ना, इसमें फैब्रिक फिनिशिंग मिलती है, लेदर जो है ना, हाँ ये फैब्रिक फिनिशिंग मिलती है, ये जो है ना एसेसरीज पार्ट में इन्होंने लेदर कवर चढ़वा रखा है। ये अंदर में आ गया, पहले तो मैं ना आपको यहाँ का डोर दिखा दूँ। बैक डोर ट्रिम ऐसे तरीके से मिलता है आपको, हार्ड टच में मिलता है, नीचे ग्रिल मिल जाती है आपको, स्पीकर नहीं मिलेगा, रोल अप डाउन का आपको विंडो का ऑप्शन मिल जाता है। ये रहा डोर ओपनर, लॉक आपका इस तरीके से मिल जाता है, और ये ग्रैब हैंडल इस तरीके से मिल जाता है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ग्रैब हैंडल पीछे नहीं है दोनों में किसी में, सिर्फ आगे वाले में आपको सिर्फ और सिर्फ को ड्राइवर साइड में आपको ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाएगा। हम चौड़ा है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, और बैठने में कंफर्ट भी बिल्कुल सही है। बैठने के लिए आप देखिए मैंने अपने हिसाब से सेट कर रखा है, पूरी ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका हेडरूम काफ़ी बढ़िया है, और नी रूम और लेग रूम भी काफ़ी बढ़िया है। ये मिलता है आपको पीछे से, बस यहाँ से थोड़ा सा ना ये मिस कर देगा, ये जो है ना है अपने हेडरेस नहीं है इसमें। अब चलते हैं इसके बूट स्पेस में, बूट ओपनर चलो यहाँ मिल गया, मुझे लगा ये चाबी से ओपन होगा, लेकिन वहाँ पर इसका लीवर दे रखा है बूट ओपनर के लिए, यहाँ पर कोई रिक्वेस्ट बटन नहीं मिलता है, ऐसे ही अपनी ओपन हो जाती है अगर से लीवर खींचेंगे। पार्शियल ट्रे नहीं मिलते हैं क्योंकि ये LXI वेरिएंट है, और यह आपको बूट स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। बूट स्पेस का 214 लीटर है जो काफ़ी डीप है, और ये आपको इस तरीके से आपको स्पेयर व्हील देखने के लिए मिल जाता है, स्टीम रिम सेम प्रोफाइल का यह ऑप्शन मिल जाता है इस तरीके से देखने के लिए। अब चलते हैं इसके इंजन बे की तरफ, बोनेट थोड़ा सा हाँ हल्का है, लेकिन हाँ लेकिन बिल्कुल हल्का भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि जिस रेंज की ये गाड़ी है उस रेंज के हिसाब से इसका बोनेट बिल्कुल ठीक है। अब ये देखते हैं इसका पूरा, ये इंजन भी है ABS विथ ABD आपको देखने के लिए मिल जाता है। इंजन की जो 998 cc का आपको K10C इंजन मिल जाता है, 66 BHP पावर जनरेट करता है, 89 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है ये, और 24 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से इसका ARI माइलेज है। तो ये इसका पूरा इंजन भी है, इंसुलेशन शीट आपको नहीं देखने के लिए मिलेगी क्योंकि ये भाई LXI वेरियंट है। तो ये था इसका पूरा ऑल ओवर रिव्यू।
ये एलेक्सा ही है हमारे सामने इस तरीके से। और मैं इसकी जो बता दूँ आपको ना, इसकी जो पेट्रोल टंकी की जो कैपेसिटी है वो 27 लीटर है। तो ये था इस तरीके से रिव्यू। मैं खड़ा हूँ इस टाइम टीडी मोटर्स ओखला मारुति सुजुकी का एराना के, तो उसका जो आपको नंबर भी दिख रहा है ये, इस पर कॉल करिए और बुक कर सकते हैं। और कोई क्वेरी हो तो यहाँ पर भी कॉन्टैक्ट करके पता कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में इसका अभी डिटेल दे दूंगा, इनकी जो फ़ोन नंबर दे दूंगा आपको और जो गूगल मैप का लिंक भी दे दूंगा। तो आप आइए यहाँ पर और देखिए, गाड़ी काफ़ी किफ़ायती और काफ़ी अच्छी है। तो इसका एक्स शोरूम प्राइस है 482,000। तो इस तरीके से आपको मिल जाती है ओवरऑल प्रोफाइल। लोग ये दो लोगों की गाड़ी की पसंद है, मतलब इसे जो ज़्यादा सैलरी वाले हैं, जो ज़्यादा पैसे वाले हैं, वो भी इनकी पसंद है। क्यों? क्योंकि वो इसे ऐसा सेकेंडरी गाड़ी प्रीफर करते हैं। और जो कम सैलरी वाले हैं, जो लो सैलरी वाले हैं, वो भी इसको प्रीफर करते हैं, क्योंकि वो भाई उनकी ये पहली चॉइस है, पहली घर की पहली गाड़ी होती है, यानी फर्स्ट चॉइस होती है अल्टो, अल्टो 800, अल्टो K10, ये सब इस सेगमेंट की सारी गाड़ी। तो ये जो है ना मारुति सुजुकी का, एक तो इंजन, मतलब आप जानते हैं कि इंजन कितना बढ़िया होता है इसका, और मेंटेनेंस भी बहुत कम, तो इसीलिए सबसे पहले प्रीफर करते हैं जो कम सैलरी वाले और कम बजट वाले होते हैं, जो बहुत अच्छी तरीके से इसको मेंटेन कर सकते हैं। ये हाई और ऐसा नहीं है, ये पहाड़ों पे ज़बरदस्त चलती है, ये पहाड़ों का राजा कहा जाता है इसको। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।